हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बेबी हेयर कट वीडियो लाई हूँ आप सभी के लिए। आप किसी भी बच्चे का बाल घर पे कट कर सकते हैं। और इसका बाल, ये मेरी भतीजी है और इसका बाल लंबा हो चुका है और ये स्कूल में पढ़ने जाती है, तो इसकी मैम ने बोला बालों को छोटा करवा लेना, नहीं तो फिर चोटी बांध के आना पड़ेगा। तो इसको बाल कटवाना था तो मैंने इसका हेयर कट कर दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कैसे स्कूल के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको मैम लोग बोलती हैं चोटी बांध के आओ, और अधिकतर अभी तो बच्चे हैं तो ज़्यादा बड़ा बाल रखने का ज़रूरत भी नहीं है, तो फिर इसीलिए मैंने इसके बालों को कट कर दिया। मैंने सेंटर पार्टीशन निकाला हुआ है, फ्रंट से नेप एरिया तक, पीछे तक मैंने पूरा बालों को सेंटर पार्टीशन निकाला है। उसके बाद फिर अब जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे, यदि आप कटिंग करो तो आप बहुत ही अच्छा कटिंग कर सकते हो फिनिशिंग के साथ, जैसा प्रोफेशनल सैलून में किया जाता है वैसे। बेबी हेयर कट आगे से पीछे से कैसे कट करना है वो आप इस वीडियो में देखिए, और कोई भी कटिंग देखनी हो तो मैं अपने इस न्यू चैनल पे कई सारी कटिंग की वीडियोस लाऊंगी, तो आप लोग मेरे न्यू चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अभी मैं सेक्शनिंग कर दे रही हूँ, सेक्शन क्लिप लगा दे रही हूँ और फिर मैं नीचे के बालों को कट करूँगी। और इसका कटिंग काफ़ी प्यारा हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था कटिंग, क्योंकि बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आया था इसका, क्योंकि अक्सर ब्यूटी पार्लर में ऐसे कटिंग किया जाता है मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद भी ब्यूटीशियन मतलब सीखी हूँ तो मुझे पता है कैसे कटिंग किया जाता है वहाँ, बस डायरेक्ट कट कर देना है पूरे बालों को, लेकिन प्रोफेशनल सैलून में कुछ अलग तरीके से बताया जाता है। मैं 45 डिग्री के एंगल पे लेकर के बालों को कट कर रही हूँ और अब मुझे गाइडलाइन मिल गया है। बालों को मुझे छोटा ही करना था क्योंकि चोटी बांधना ना पड़े बेचारी मेरी भतीजी को, इसलिए मैं ऐसी कटिंग कर रही हूँ। मुझे ऐसा लुक देना था जैसे इनवर्टेड ब्लंड कट ये सब में होता है, मतलब पीछे से शॉर्ट रहेगा आगे में लॉन्ग, मैं वैसा ही कर रही थी। बट जैसे गांव में कैसे होता है कि वैसा कटिंग सूट नहीं करता, या फिर सब बोलेंगे कि ये कैसे काट दी है, आगे का लंबा है पीछे का छोटा है, तो फिर मैं फिर बराबर कट कर देती हूँ। मैं पहले से यही सोच के रखी थी कि मैं पीछे का शॉर्ट और आगे का जो लॉन्ग कटिंग होता है वैसा करूं, लेकिन फिर मैंने पूरा बराबर कट कर दिया क्योंकि मेरी भाभी ने बोला कि मतलब वैसा कट नहीं करने के लिए, तो फिर मैं वैसा कट नहीं करती हूं। फिर मैं बॉब कट जैसा सिंपल सा होता है वैसा फिर मैं कट कर देती हूं, ताकि आगे से पीछे तक पूरा गोल सा शेप में रहे। ये सर बार बार हिला रही थी, मैं बोल रही थी अब बच्चे हैं तो बच्चे तो शांत से रहते भी नहीं है, बहुत मुश्किल है। अब हमें जब सेक्शन निकाला मैंने जितना बालों को, तो हमें गाइडलाइन खुद ही दिख जाता है कि अंदर कितने बालों को मैंने कट किया है, तो फिर ऊपर से हम लोग उतने ही बालों को कट कर देंगे।
और प्रोफेशनल सैलून में ऐसे ही कट किया जाता है थोड़े थोड़े बालों को ले करके, ताकि फिनिशिंग लुक मिले और बहुत ही अच्छा लुक मिलता भी है। आप कभी प्रोफेशनल सैलून में कोई भी कटिंग करवा के देखो, बहुत ही अच्छा लुक आता है हेयर का। अभी मैंने थोड़ा सा और बालों को लिया है और अब मैं इसको कट करने वाली हूँ। ये सर सीधा ही नहीं रख रही थी बेचारी। जब भी कटिंग करना है तो कॉम्ब करते जाना है, ऐसे जो बाल छुपे हुए रहते हैं अंदर में वो निकल जाते हैं। तो ऐसे कितना सारा बाल घुस के बैठा हुआ रहेगा, निकलेगा भी नहीं। अब पीछे से हल्का सा गाइडलाइन आगे लेकर के फिर मैं फ्रंट के बालों को कट करूँगी। मैं बेचारी को चेयर से ही तो उठा दे रही हूँ, वो बहुत ही खुश है कि मेरे बाल कट रहे हैं। मेरी भतीजी का नाम माही है और वो मेरा वेट कर रही थी कि मेरी बुआ कब आएगी कि मेरे बाल काट देगी। आगे से मैं 45 डिग्री पे ही कट कर रही हूँ, हल्का सा हाथों को तिरछा करके, ताकि फ्रंट का हल्का सा आगे लंबा रहे और पीछे का शॉर्ट हल्का, मैंने ज़्यादा नहीं किया ताकि पता ना चले। मैं भी बैठ गई हूँ, उसको भी बैठा दी हूँ, और घर पे कटिंग करना है तो कैसे भी कटिंग कर दो, बस बस कटिंग अच्छा होना चाहिए। मेरा यदि कटिंग किया हुआ हेयर, बेबी हेयर कट अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हेयर कट चुके हैं और अब मैं साइड पार्टीशन करके फिर लास्ट में फिनिशिंग हल्का सा कर दूंगी। आगे के बालों को भी मैं थोड़ा सा कट कर दे रही हूँ, थोड़ा स्टाइलिश लुक में।
कैसी लगी मेरी कटिंग की वीडियो फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी, और आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।